हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है, जिसको भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे संस्थाओं का चर्चा कर लिए, पर्सनालिटीज का चर्चा कर लिए। आज हम कुछ और जो है एक इम्पॉर्टेंट सुधार आंदोलन का चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है थियोसोफिकल आंदोलन। थियोसोफिकल आंदोलन, थियोसोफिकल आंदोलन, थियोसोफिकल आंदोलन जो है, थियोसोफिकल आंदोलन, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि 1875 ईस्वी में ये न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। इसको दो व्यक्ति ने शुरू किया था। एक लेडीज थी, उनका नाम था, रूसी महिला थी, उनका नाम था हेलेना ब्लावस्की। ब्लावस्की और हेनरी पी एलकॉट, एलकॉट कर्नल। 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल आंदोलन का नींव डाला था। एक रूसी महिला थी, उनका नाम था हेलेना ब्लावस्की, ब्लावस्की और एक कर्नल हेनरी पी ऑलकॉट थे। कर्नल पी ऑलकॉट थे। ये दो पर्सनालिटी ने जो है थियोसोफिकल आंदोलन का नींव डाला। थियोसोफिकल आंदोलन एक तरह से कह सकते हैं कि धार्मिक रूढ़िवाद पर बल देता था, धार्मिक रूढ़िवाद पर बल देता था। और बहुत ज्यादा यह सक्सेस, यह आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन इसका एक जो चीज खासियत है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह हुआ कि इसने भारतीय धर्म और जीवन के अतीत को उजागर किया और इसको जो है विदेशों में लोकप्रिय बनाया। इससे इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीयों में जो आत्मविश्वास उस समय बहुत हीन अवस्था में था, वह जो है काफी डेवलप किए। थियोसोफिकल आंदोलन से डॉक्टर भगवान दास भी जुड़े थे। और एक और पर्सनालिटी थे, सुब्रमण्यम अय्यर। ये दो बहुत बड़े पर्सनालिटी इससे जुड़े हुए थे, डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर। ये धार्मिक पुनः उत्थानवाद पर बल देता था, ये धार्मिक पुनः उत्थानवाद पर बल देता था। थियोसोफिकल आंदोलन किस पर बल देता था? धार्मिक पुनः उत्थानवाद पर बल देता था। ये तीन धर्म पर बल देता था। किस किस धर्म पर बल देता था? तो हिंदू धर्म, पारसी या जरथुस्त धर्म और तीसरा है हिंदू धर्म, पारसी या जरथुस्त धर्म और बौद्ध धर्म। थियोसोफिकल आंदोलन का मुख्य बल जो है तीन धर्म पर था, पुनर्स्थापना पर था, उसको आप कह सकते हैं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी या जरथुस्त धर्म पर था। यह आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को मानता था, यह आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को मानता था और विश्व बंधुत्व पर बल देता था, विश्व बंधुत्व पर बल देता था। यह सब थियोसोफिकल आंदोलन के बारे में है। थियोसोफिकल आंदोलन का स्थापना अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में ही, बता दिए। लेकिन इसको शीघ्र ही जो है भारत में अडयार में 1886 में लिया गया। अडयार कहाँ है? मद्रास के पास। मद्रास के पास जो है अडयार में 1886 ईस्वी में इसको लाके स्थापित कर दिया गया। भारत में इस आंदोलन को, इस धर्म मतलब थियोसोफिकल आंदोलन को व्यापक तौर से प्रचारित प्रसारित करने में श्रेय जाता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट जो है एक आयरिश महिला है। आयरिश महिला का अर्थ हुआ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो आयरलैंड है उसी वहीं की रहने वाली थी, लेकिन वह जो है चली गई थी 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग ली थी, और फिर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेके वह जो है पुनः इंडिया में आ गई और थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है वह जो है मेंबर बन गई। और बहुत तेजी से इसने थियोसोफिकल आंदोलन के विचार को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया।
इसने 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया, बनारस में एक सेंट्रल हिंदू स्कूल का स्थापना किया, और यही सेंट्रल हिंदू स्कूल बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में जो है आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने एनी बेसेंट में हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन किया, एनी बेसेंट ने एक हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन किया। कारण यह था कि हिंदू धर्म के विचार को ये फैलाना चाहती थी। एनी बेसेंट काफी आपका सकते थियोसोफिकल आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। जैसे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें यह जो है अध्यक्षा बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 33वां अधिवेशन था। कैसे कितना अधिवेशन था? 33वां 1917 में हुआ था कलकत्ता में। तो पहली जो है महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा यही थी, एनी बेसेंट थी। तो यही है एनी बेसेंट के बारे में जानकारी। और 1893 में एनी बेसेंट आई थी भारत शिकागो, विश्व हमें ये सब बता ही दिए हैं। तो यही आपका थियोसोफिकल आंदोलन। थियोसोफिकल आंदोलन में इससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं बनते। अब थियोसोफिकल आंदोलन के बाद हम कुछ भारत में कुछ छोटे छोटे धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने आपको वेद समाज का बात किया था, वेद समाज के बारे में बताया था कि ये राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए, केशव चंद सेन राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज के विचार को फैलाने के लिए जो है ये मद्रास में स्थापित किया गया था। ये मैंने आपको बताए थे। ये 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इस पर बहुत बड़ा प्रभाव ब्रह्म समाज का था। केशव चंद सेन ने इसको स्थापित करने में मदद किया था। ये सब चर्चा मैंने किया था और मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि 1871 में इसी वेद समाज को जो मद्रास में स्थापित हुआ था, श्री धरालू नायडू ने इसको पुनर्गठित किया। और वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, यह मैंने आपसे चर्चा किया था। अब हम कुछ संस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे धम्म सभा ये सब बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, लेकिन बहुत छोटी छोटी संस्थाओं का भी पुनर्जागरण काल में, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन काल में, चाहे 19वीं-20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। जैसे एक धम्म सभा था। धम्म सभा की स्थापना 1830 में हुआ था और राधाकांत देव ने किया था। कौन किए थे? राधाकांत देव। 1830 में धम्म सभा का स्थापना हुआ और राधाकांत देव ने किया। राधाकांत देव जो थे वो ब्रह्म समाज के खिलाफ थे, ब्रह्म समाज के विचार के खिलाफ और राजा राम मोहन राय के खिलाफ थे, लेकिन सती प्रथा के समर्थन में थे। आप समझिए कि धम्म सभा का स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया, जो ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के विचार के खिलाफ करते थे और सती प्रथा का जो है समर्थन करते थे। उसके बाद देव समाज का स्थापना हुआ था। देव समाज 1887 में स्थापित हुआ था और ये लाहौर में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज का स्थापना 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था और शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। उसके बाद है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना 1861 में हुआ था और इसमें ये 1861 में हुआ था, आगरा में हुआ था और शिवदयाल और तुलसीराम दो व्यक्ति से जुड़े हुए थे। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना आगरा में हुआ था, 1861 में हुआ था और इसमें दो पर्सनालिटी जुड़े हुए थे, शिव दयाल और प्लस तुलसीराम। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। 1878 में
राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक थे विशेषलिंगम कुंतलो। उनका नाम था विशेषलिंगम कुंतलो। 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। संस्थापक थे विशेषलिंगम कुंतलो। इनको इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। विधवा विवाह का समर्थन किया था। विधवा विवाह का समर्थन किसने किया था? तो विशेषलिंगम ने किया था। उसके बाद 1895 में है सेवा सदन। 1895 में एक संस्था का स्थापना हुआ था, उसका नाम है सेवा सदन। सेवा सदन एक पारसी धर्म समाज सुधारक थे, बहराम जी मालावारी। 1895 में एक पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी मालावारी, उन्होंने जो है आपको सेवा सदन का स्थापना किया था। ये भी जो है पारसी समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहते थे, पारसी समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहते थे और विधवा विवाह का ये समर्थन करते थे। अठारह सौ चालीस में परमहंस सभा का स्थापना हुआ। और यही संस्था 1849 में परमहंस मंडली बन गई। कल भी चर्चा हुआ था क्लास में, शायद ये चर्चा पहले भी हुआ है, पहले शायद क्या चर्चा हुआ है। 1840 में परमहंस सभा और वही जो है 1849 में परमहंस मंडली बन गया। इसके संस्थापक थे दादोबा, परमहंस सभा के दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर। दादोबा पांडुरंग तारखेड़कर जो है इसके संस्थापक थे। सत प्रकाश जो है गुजराती भाषा में कृष्णदास मलजी ने निकाला था, कल चर्चा हुआ था। सत प्रकाश किसने निकाला था? तो गुजराती भाषा में कृष्णदास मूलजी ने निकाला था। उसके बाद विधवा विवाह पुनः विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में किया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का स्थापना उत्तरी भारत में 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। और यह उत्तरी भारत में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना उत्तर भारत में 1850 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था और डीके करवे ने 1899 ईस्वी में विधवा विवाह पुणे एसोसिएशन की स्थापना पुणे में 1899 में किया था। इंडियन सोशल रिफॉर्मर इंडियन सोशल रिफॉर्मर का स्थापना 1870 में हुआ था और एन नटराजन ने किया था। इंडियन सोशल रिफॉर्मर का स्थापना 1870 ईस्वी में हुआ था और एन नटराजन ने इसका स्थापना किया था। शारदा सदन का स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। पंडिता रमाबाई ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना बनारस में हुआ था। कौन किए थे? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, परीक्षा में पूछा जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था।
सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग का स्थापना एनएम जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग का स्थापना किसने किया था? एनएम जोशी ने किया था। सोशल सर्विस लीग का स्थापना एनएम जोशी ने किया था। और सोशल सर्विस लीग एक और था, उसका स्थापना एमजी चंद्रावरकर ने किया था। एमजी चंद्रावरकर ने किया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में है, 1911 की संस्था है। और इस दो सोशल सर्विस है, एक का स्थापना एनएम जोशी ने किया था, दूसरे का स्थापना एमजी चंद्रावरकर ने किया था। सेवा समिति का स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, सेवा समिति का स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में किया था, यह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बॉयज स्काउट एसोसिएशन, बॉयज स्काउट एसोसिएशन, बॉयज स्काउट स्काउट एसोसिएशन, बॉयज स्काउट एसोसिएशन का स्थापना बंबई में हुआ था और राम वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? राम वाजपेयी ने किया था। बॉयज स्काउट एसोसिएशन का स्थापना बंबई में राम वाजपेयी ने किया था, 1914 में किया था। स्काउट एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? बॉर्डन पावेल। बॉर्डन पावेल आपसे पूछ सकता है कि स्काउट एसोसिएशन का स्थापना कौन किया, संस्थापक कौन था? तो स्काउट एसोसिएशन का संस्थापक बॉर्डन पावेल था। और बॉर्डन पावेल के तर्ज पर ही बंबई में 1914 ईस्वी में राम वाजपेयी ने बॉयज स्काउट एसोसिएशन का स्थापना किया था। तो यह कुल मिला के आपका जो है इस काल में धार्मिक सामाजिक सुधार काल में या 19वीं-20वीं शताब्दी में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण सामाजिक या धार्मिक संस्थाएं थी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए एक बात याद रखिएगा, इस समय जितने भी सामाजिक सुधार हुए थे वो सभी जाति प्रथा के इर्द गिर्द ही सुधार हुए थे। इस बात को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा कि पुनर्जागरण काल में या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के काल में या 19वीं या 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन काल में जाति प्रथा के इर्द गिर्द ही जो है सामाजिक सुधार हुआ है दक्षिण भारत के, विशेषकर दक्षिण भारत में। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षाओं में हो सकता है कि कंसेप्चुअल ढंग से क्वेश्चन यह आ सकता है, कंसेप्चुअल ढंग से यह क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से जो हिंदू धर्म, मैं इस हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इस समय जो सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं, जैसे हिंदू धर्म में हुआ, सिख धर्म में हुआ, तो हिंदू धर्म का लगभग जो है समाप्त हो गया। अब हम पारसी धर्म पर आते हैं। अब हम किस धर्म पर आते हैं? पारसी धर्म पर आते हैं। पारसी धर्म में तीन व्यक्ति पर्सनैलिटी थे। 1851 ईस्वी में एक रहनुमाई माजदायन सभा का स्थापना किया गया था। रहनुमाई माजदायन सभा का स्थापना किया था, माजदायन सभा। 1851 ईस्वी में एक पारसी धर्म सुधार के लिए रहनुमाई माजदायन सभा का स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक तीन व्यक्ति थे, नरोजी फर्दवन जी, नरोजी फर्दवन जी, दादा भाई नरोजी और एस एस बंगाली। तीन पर्सनालिटी थे जो पारसी धर्म में सुधार लाने के लिए 1851 ईस्वी में जो है रहनुमाई माजदायन सभा का स्थापना किया था, नरोजी फर्दवन जी, दादा भाई नरोजी और एस एस बंगाली। इसी समय इन लोगों ने गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाला था, रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार का हिंदी अर्थ होता है सत्यवादी। और इसमें जो है पारसी धर्म में किस प्रकार सुधार लाया जाए, स्त्री शिक्षा पर काफी बल दिया गया था, ये सब जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और देखिए पारसी समाज में इतना सुधार हुआ कि आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे विकसित सामाजिक श्रेणी में अगर कोई जाति आता है तो पारसी धर्म में आता है। सबसे ज्यादा लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, ये सब सबसे ज्यादा पारसी धर्म में हुआ।
और सबसे विकसित सामाजिक अवस्था किसी धर्म का है भारत में देखने को मिलता है तो पारसी धर्म का ही मिलता है। इसी समय एक थे पर्सनालिटी बी एम मालावारी, 1910 ईस्वी में उन्होंने जुराष्ट्रीय सभा का आयोजन किया था। बी एम मालावारी ने जो है 1910 ईस्वी में जुराष्ट्रीय सभा या पारसी धर्म पारसी सम्मेलन का आयोजन किया था। इसमें एक बैक पर्सनालिटी थे के कामा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार का काफी काम किया है। के कामा ने पारसी शिक्षा के सुधार में, तो यही सब है कल, और मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि दादा भाई नौरोजी ने जो है काफी सुधार करके पारसी जो कानून है उसको लिपिबद्ध किया था, तो ये सब चर्चा हो चुका है। तो इसी के साथ जो है अब आपका लगभग जो है बहुत जो है पारसी धर्म के चर्चा हो चुका है। अब जो रेस्ट बचा हुआ है उसमें है आपका सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब कुछ बचे हुए हैं, फिर निम्न जाति आंदोलन। एक एक करके हम जो है सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप लोग कहीं भी कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो को आप जो है अगर ठीक से सुनते हैं तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही अच्छा जो है परीक्षोपयोगी वीडियो है। परीक्षा में आपको कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से एक कुछ विचार और कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।